1917 में आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध अभिनेता एके हंगल का जन्म हुआ था। 1966 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और 2005 तक 225 फिल्मों में काम किया। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 16 फिल्में की। उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हंगल साहब उर्दू भाषी थे, इसलिए उन्हें हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ने में परेशानी होती थी, इसलिए वह स्क्रिप्ट हमेशा उर्दू भाषा में ही मांगते थे। फिल्मों के अलावा हंगल ने इप्टा से जुड़कर अपने नाटकों के मंचन के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना जगाई। वह हमेशा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने नाटक को अहमियत देते थे और मानते थे कि जिंदगी का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है। 1977 में पहली बार भारतीय तटरक्षक दल का गठन हुआ था। भारत में तटरक्षक का आविर्भाव समुद्र में भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर राष्ट्रीय विधियों को लागू करने और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई सेवा के तौर पर 1 फरवरी 1977 को हुआ था। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि नौसेना को इसके युद्धकालीन कार्यों के लिए अलग रखा जाना चाहिए और विधि प्रवर्तन के उत्तरदायित्व के लिए एक अलग सेवा का गठन किया जाए, जो कि पूर्ण रूप से सुसज्जित और विकसित राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य इत्यादि के तटरक्षकों के तर्ज पर बनाई गई हो। 1979 में आज ही के दिन 14 साल ईरान से बाहर रहने के बाद धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी वापस अपने देश पहुंचे थे। तेहरान में शिया इमाम का स्वागत करने के लिए करीब 50 लाख लोग सड़कों पर जमा हुए थे। ईरान के शाह ने 78 वर्षीय खुमैनी को 1963 में जेल भेज दिया था। उन पर सुधारों का विरोध करने का इल्जाम लगाया गया था और एक साल बाद उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। आयतुल्ला के आने के बाद 2 हफ्तों के भीतर ही ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार ने पद से इस्तीफा दे दिया। 1979 में ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। आयतुल्ला ने छात्र चरमपंथियों के अमेरिकी दूतावास पर हमले का स्वागत किया था, तो उधर मिस्र में ईरान के शाह की मृत्यु हो गई थी। और 2003 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया आकाश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 16 दिन अंतरिक्ष में बिताकर तीव्र गति से वापस लौटता कोलंबिया यान धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर था, तभी आसमान में बिजली कौंधी, धमाका हुआ, आग का शोला निकला और सब खत्म हो गया। इस घटना से अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारतीय मूल की अमेरिकी कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 7 अंतरिक्ष यात्रियों में 2 महिलाएं थीं, लॉरिक क्लार्क और कल्पना चावला। भारत में पढ़ाई करने के बाद अमेरिकी एजेंसी में काम करने वाली चावला का यह दूसरा अंतरिक्ष दौरा था।